आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हालत इन दिनों कुछ ऐसी ही हो गई है। यूपी के अमेठी में कांग्रेस के गढ़ में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अपनी पैठ बनाई है, उससे डरे सहमे राहुल अपने लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में जुट गए और उनकी तलाश खत्म हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है और कांग्रेस का गढ़ भी मानी जाती है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी मैदान में राहुल के सामने अपने सबसे धाकड़ उम्मीदवार को उतारकर उनकी राह और मुश्किल कर दी है। वायनाड सीट पर राहुल को चुनौती देने वाले एनडीए के इस उम्मीदवार का नाम है तुषार वेल्लापल्ली। अमित शाह ने तुषार वेल्लापल्ली को एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बीजेपी ने राहुल को दोनों तरफ बुरी तरह घेर लिया है। एक तरफ अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी राहुल को ललकारेंगी, तो वहीं वायनाड सीट पर तुषार वेल्लापल्ली राहुल की जीत के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। यानी अगर राहुल अमेठी से गिरते हैं तो वायनाड सीट पर बीजेपी उनको अटका सकती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है तुषार वेल्लापल्ली जो राहुल के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती। तुषार वेल्लापल्ली भारत धर्म जनसेना यानी BDJS के अध्यक्ष हैं। BDJS केरल के मशहूर धार्मिक संगठन श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी SNDP का एक संगठन है। तुषार वेल्लापल्ली के पिता का नाम केसवन नटसन है, जो SNDP के जनरल सेक्रेटरी हैं। BDJS इजहावा और तिया समुदाय के लिए काम करती है। वायनाड में इजहावा समुदाय की कुल आबादी करीब 20% है। तुषार वेल्लापल्ली केरल में NDA के राज्य संयोजक भी है। इससे पहले उन्हें केरल की त्रिशूर सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद NDA ने तुषार को यहां भेज दिया। BDJS की स्थापना साल 2015 में उनके पिता केसवन नटसन ने की थी, जिसे इजहावा और तिया समुदाय की भलाई और विकास के लिए बनाया गया था। बीजेपी की तरह ही इसका गठन भी हिंदुओं के हित की बात करने के लिए हुआ है। केसवन नटसन का इस क्षेत्र में काफी असर माना जाता है। साल 2016 में BDJS ने NDA के साथ गठबंधन किया। बीजेपी की नजर वायनाड में 20% इजहावा वोट बैंक पर है। इसी जाति और धर्म के अनुपात को देखते हुए NDA को उम्मीद है कि तुषार वेल्लापल्ली कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को टक्कर दे सकते हैं। यही नहीं, क्योंकि तुषार लोकल हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से वहां के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राहुल के मुकाबले इसका फायदा भी उनको मिल सकता है। भाई और बहनों, महाराष्ट्र के विदर्भ के हजारों जवान आज देश की रक्षा में डटे हैं, लेकिन कांग्रेस और NCP की महामिलावट हमारे सपूतों के शौर्य, उनके बलिदान को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे वीर जवानों ने सीमा पार करके आतंकियों को घर में घुसकर मारने का काम किया, तो ये लोग सबूत मांगने लगे। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी ऐसी बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आज विदर्भ की धरती से, इस वर्धा की धरती से आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? मेरा अगला सवाल जरा बराबर समझ के पूछ लीजिए। जो हिंदुस्तान के हीरो हैं, उनकी जरूरत है कि जो पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं उनकी जरूरत है? आप बताइए, आपको सबूत चाहिए या देश के सपूतों पर गर्व चाहिए? सपूतों के शौर्य का सबूत मांगने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? देश की सेना पर शक करने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? देश की सेना को अपमानित करने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? शहीदों के इस प्रकार की भाषा से दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? साथियों, आप ये भी मत भूलिए, ये वही कांग्रेस और NCP का गठबंधन है जिसने आजाद मैदान में
उन्मादी भीड़ को, शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने और हिंसा की खुली छूट दी थी, याद है ना आपको? आजाद मैदान की घटना याद है ना? इतना ही नहीं, तब की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि आजाद मैदान में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई न हो। आखिर क्यों? इसका जवाब एक ही है, कांग्रेस एनसीपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस, किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? आप याद कीजिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे, तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। साथियों, ये विषय आज मैं इसलिए लाया हूं, भैया आप जगह है नहीं, ये मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां है वहीं रहिए। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, एक तरफ भयंकर गर्मी है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। अभी मैदान छोटा पड़ गया, आपका प्यार इतना है। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की यह साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? आप हर कोने से जवाब आना चाहिए, बहुत बड़ा पाप किया है कांग्रेस ने, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? वो चाहे जितनी दौड़ लगा ले, कांग्रेस को इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़कर के भागने लगे हैं। जिसको उन्होंने आतंकवादी कहा है वो अब जाग चुका है और इसलिए जिसको उन्होंने
शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इसके कारण अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।